नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता एक अनुभवी नेता होने के बाद भी सीएम पद का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि राज्य में जय श्री राम के नारे पर उनका व्यवहार काफी असामान्य और अजीब है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी के प्रदर्शन से सीएम ममता काफी बौखला गई हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए कार्यों से ब्रेक ले लेना चाहिए। जय श्री राम के नारे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से जिस तरह से गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के उस गुस्से को और बढ़ाने के लिए अपने सीने पर जय श्री राम लिखकर ममता बनर्जी के इस रवैये का प्रतिवाद भी किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एक मंत्री पद का ऑफर ठुकराने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य मंत्री परिषद का विस्तार किया। इस विस्तार के लिए सीएम नीतीश ने बीजेपी को एक मंत्री पद का ऑफर दिया था, जिसे बीजेपी सरकार ने इनकार कर दिया था। माना जा रहा है कि केंद्र प्रस्ताव से नाराज नीतीश ने मंत्रिपरिषद विस्तार में प्रस्ताव के जरिए बीजेपी से बदला लिया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अनिल शिदोरे का कहना है कि हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसे हमारे माथे पर मत थोपो। जिसका बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने कहा किसी भी राज्य पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कामकाज संभालने के साथ ही सक्रियता बढ़ा दी है। बता दें, रक्षा मंत्री अपने पहले दौरे पर सियाचिन जाएंगे, जहां 12,000 फुट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे जवानों से मुलाकात करेंगे। वहीं इस मौके पर उनके साथ सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल होने के बाद भाजपा जहां राष्ट्रवादी एजेंडे पर मंजिल पर पहुंचने की जल्दबाजी में है, वहीं जदयू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न होने की घोषणा के बाद साफ संदेश दे दिया है कि 35 से अनुच्छेद 370, राम मंदिर, तीन तलाक, समान नागरिक संहिता और नागरिकता संशोधन बिल मामले में वह भाजपा का साथ नहीं देगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के सरकार में शामिल होने के कारण भाजपा जल्द ही कार्यवाहक अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। इस पद के रेस में फिलहाल वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को आगे बताया जा रहा है। हालांकि पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव के नाम की भी चर्चा अभी नहीं थमी है। कमलनाथ सरकार पर लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई बीजेपी नेताओं पर तबादलों को लेकर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के तुरंत बाद तबादलों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें से 33 आईएएस अधिकारी और 37 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व चांदनी चौक संसदीय सीट से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। खास बात ये रही कि केंद्रीय मंत्री आज साइकिल से स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे। डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण और स्वस्थ रहने का संदेश देने के लिए यह कदम उठाया है। बता दें कि डॉक्टर और राजनेता हर्षवर्धन ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान संभाली है। अलीगढ़ से एक बार फिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी को प्रेम प्रसंग के चलते आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने अर्धजले शव को कब्जे में लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा दिया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और वहीं भाई की तलाश में भी जुटी है।